जागबाग में है बेटा, किसी को पेंशन 7 रुपये मिल रही थी, किसी को 25 रुपये, किसी को 50 रुपये, किसी को 250 रुपये, ये देश में चलता था। मैंने कहा भाई इन लोगों को ऑटो रिक्शा में वो पेंशन लेने जाने का भी खर्चा उससे ज्यादा होता होगा। किसी ने मांग नहीं थी, किसी मजदूर संगठन ने मुझे आवेदन पत्र नहीं दिया था माननीय अध्यक्ष जी। उसमें से बाहर ला करके मिनिमम 1000 रुपीज देने का निर्णय हमने किया था, किसी ने मांगा नहीं। मुझे किसी भी किसान संगठन ने इस देश के छोटे किसान को कुछ सम्मान निधि पैसे मिले इसकी व्यवस्था किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन हमने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत उनको हमने धन सामने से देना शुरू किया। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी आधुनिक समाज के लिए परिवर्तन बहुत आवश्यक होता है। हमने देखा है जिस प्रकार से उस कालखंड में विरोध होता था, लेकिन राजा राममोहन राय जी जैसे महापुरुष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जैसे महापुरुष, ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुष, बाबा साहब अम्बेडकर, कितने अनगिनत नाम है, उन्होंने समाज के सामने उल्टे प्रभाव में सामने होकर के समाज सुधार का बीड़ा उठाया था, व्यवस्थाएं बदलने के लिए बीड़ा उठाया। अब कभी ने तो किसी ने जिम्मेवारियां लेनी होती है। हाँ, ऐसी चीजों का शुरू में विरोध होता है, जब बात सत्य पहुंचता है तो लोग इसको स्वीकार